हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं यहाँ पे कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, बट आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। हो सकता है मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा आपके मन में भी वो सवाल उठते हो। देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं बच्चे कि जो 30% सीबीएसई ने जो रिड्यूस किए हैं, क्या उसे हम लोग पढ़ें या फिर उसे कम्प्लीटली छोड़ दें? समझ रहे हैं? क्या उसे हम लोग टच करें या उसको कम्प्लीटली छोड़ दें? बच्चों, इसका आंसर आपको आज मिल जाएगा। मेरे हिसाब से और आपके बेनिफिट के हिसाब से क्या होना चाहिए, उस पर आज हम लोग बात करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका जो इंस्टीट्यूशंस के जो टीचर्स हैं, अगर वो उन लोगों ने आपको बोला है कि इसका कंप्लीट कराया जाएगा, आप किसी तरह से भी ले रहे हैं, वैसे तो अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, तो अगर आप ऑनलाइन स्कूल के तरफ से या फिर आपके अपने इंस्टीट्यूशन जो है वहां से अगर आपको ये चीज कराया जा रहा है, तो उसको बिल्कुल कीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर ये चीज नहीं कराया जा रहा तो भी ऑनलाइन यूट्यूब पे सारा चीज अवेलेबल है, आप कम से कम उसको जरूर समझ के रखें। हाँ, बोर्ड के हिसाब से उसको प्रिपरेशन मत कीजिए, ठीक है? जब आप बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि लास्ट का 2 महीने में, तो उसके आप छोड़ दीजिए, लेकिन आपको उसको समझना जरूरी है। जैसे मैं अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री का अगर मैं बात करूं, अगर एक चैप्टर ले लूं, जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर ले लीजिए केमिस्ट्री का, इसमें जो पोर्शन डिलीट किया गया है कार्बन कंपाउंड का, जो लास्ट का पोर्शन है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लास 11th में बहुत ज्यादा आपको काम करेंगे। अगर उसे आप यहां नहीं समझेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत होगा। तो इसीलिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अगर आपके पास कोई दिक्कत नहीं, आपके पास समय है, वैसे समय तो होगा ही क्योंकि स्कूल तो आप नहीं जा रहे हैं, तो आपके पास समय है, तो मेरे हिसाब से और आपके बेनिफिट के हिसाब से आपको उसको कवर कर लेना चाहिए। हाँ, तैयारी के हिसाब से छोड़ दीजिए, यानी कि जो बोर्ड का जब प्रिपरेशन करेंगे तो उसको छोड़ दीजिएगा, बट सारा चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। तो ये है मेरे तरफ से इस क्वेश्चन का आपके लिए सही जवाब। उम्मीद है कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? और अगर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि नहीं सर, अब तो बहुत लेट हो गया है, अब उसे हम लोग नहीं समझेंगे, तो एक काम और कर सकते हैं कि अभी आप बोर्ड का प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अक्टूबर हो गया है, आप अभी बोर्ड का प्रिपरेशन में लग जाइए। जो बचा हुआ जो डिलीटेड पोर्शन है, जिस सीबीएसई ने जो छोड़ रखा है, बोर्ड के बाद उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बट कंप्लीट जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है? जब आपका बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होगा तो आपके पास वहां पे जो समय मिलेगा उस चीज को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका बेनिफिट बहुत है। जैसे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं 10th के बाद, जैसे आप 10th कर लिए, उसके बाद अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम भरना होगा अलग अलग जगह पे, तो उसमें ये चीज पूछा जाएगा, तो आप कंप्लीट करके रखेंगे तब तो उसको आप क्लियर कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको उसको कंप्लीट करना चाहिए।